Hello kids, hope you all are good at home. So, in this video, we are going to learn that how we can write capital letters and small letters. इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम कैसे capital letters लिख सकते हैं और small letter लिख सकते हैं. So, let's start. G for gun. तो अब हम G लिखना सीखेंगे. तो हमें इधर से ऐसे घुमाना है, इसे नीचे तक लाना है, फिर इस लाइन के अंदर एक बार फिर से बनाएंगे, ऊपर से लाना है, इस तरह से घुमाना है और फिर इस लाइन के अंदर हमारा कैपिटल G बन गया. स्मॉल G, स्मॉल जी के लिए एक सर्कल बनाएंगे धीरे धीरे, एक पूरा सर्कल, फिर वहीं से थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे लाएंगे एक लाइन और फिर इस लाइन से ऐसे धीरे करके घुमा देंगे. एक बार फिर से बनाते हैं, वन फुल सर्कल, एक पूरा सर्कल बनाएंगे पहले और उससे ऊपर वाली लाइन में टच करेंगे, फिर वहीं से नीचे वाली लाइन में लाके टच करके वहां से घुमा देंगे. हमारा जी बन गया. H for hen. अब हम H लिखना सीखेंगे. तो H बनाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन, फिर एक और स्ट्रेट लाइन, अब दोनों को मिला देना है. एक बार फिर से इस लाइन से एक स्ट्रेट लाइन, फिर उसी लाइन से एक और स्ट्रेट लाइन, अब दोनों को मिला देना है बीच से. हमारा एच बन गया. अब स्मॉल एच, स्मॉल एच के लिए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, फिर वहीं से इस तरह से घुमाते हुए लाइन में टच करते हुए नीचे की तरफ लाएंगे. एक बार फिर से एक स्ट्रेट लाइन. अब हम स्ट्रेट लाइन के बीच से उसे घुमाएंगे और इस लाइन पे टच करते हुए नीचे की तरफ लाएंगे. हमारा एच बन गया. आई फॉर इंक. अब हम आई लिखना सीखेंगे. तो आई लिखने के लिए बस एक स्ट्रेट लाइन खींचना है हमें. हमारा आई बन गया. एक बार और एक स्ट्रेट लाइन. अब स्मॉल आई लिखेंगे. तो स्मॉल आई के लिए हमें इस लाइन से एक लाइन खींचनी है और दूसरे लाइन में टच करते हुए ऊपर फिर एक डॉट. एक बार फिर से इस लाइन से एक स्ट्रेट लाइन, नीचे वाली लाइन पे टच करते हुए ऊपर लेके जाएंगे और फिर एक डॉट. जे फॉर जग. अब हम जे लिखना सीखेंगे. जे लिखने के लिए एक स्ट्रेट लाइन और उसे ऐसे घुमा देना है. एक बार फिर से एक स्ट्रेट लाइन जिसे हमें ऐसे घुमा देना. हमारा जे बन गया. अब स्मॉल जे के लिए बीच वाली लाइन से इसे स्ट्रेट एक लाइन खींचनी है और नीचे वाली लाइन पे ऐसे घुमा देना है और ऊपर डॉट. एक बार फिर से मिडिल वाली लाइन से एक स्ट्रेट लाइन और वो नीचे वाले लाइन पे टच करते हुए ऊपर, देन एक डॉट. के फॉर काइट. अब हम के लिखना सीखेंगे.
तो के लिखने के लिए हमें एक सीधी लाइन खींचनी है, स्ट्रेट लाइन, और फिर वहीं से वहां लेके जाना उस लाइन तक, फिर इधर से इस लाइन तक। एक बार फिर से, एक स्ट्रेट लाइन, फिर लाइन के बीच से ऊपर साइड खींचनी है एक लाइन, और फिर उसके बीच से एक और लाइन। अब स्मॉल के लिखना सीखेंगे। एक स्ट्रेट लाइन, पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे हम, फिर जो बीच में लाइन है उधर से एक लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन को टच करेगी, फिर वहीं से एक और लाइन नीचे के लाइन में टच करेगी। एक बार फिर से के बनाएंगे, तो के बनाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, उसके बाद बीच वाली लाइन से एक लाइन खींचेंगे जो हमारी स्ट्रेट लाइन को टच करेगी, फिर उसे घुमाते हुए नीचे लाना है। हमारा के बन गया। एल फॉर लायन। तो अब हम एल बनाना सीखेंगे। तो एल बनाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन, फिर एक स्लाइडिंग लाइन। एक बार फिर देखते हैं। एक स्ट्रेट लाइन और फिर उसी में एक स्लाइडिंग लाइन। हमारा एल बन गया। अब हम स्मॉल एल बनाएंगे। स्मॉल एल के लिए एक स्ट्रेट लाइन, उसके बाद नीचे वाली लाइन से टच करते हुए थोड़ा सा ऊपर। एक बार फिर देखते हैं। एक स्ट्रेट लाइन, नीचे वाली लाइन से फिर टच करते हुए ऊपर। हमारा एल बन गया। एम फॉर मंकी। अब हम एम लिखना सीखेंगे। एम बनाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन नीचे से, फिर उसे नीचे लेके जाना है, फिर ऊपर, और फिर एक बिग स्ट्रेट लाइन। एक बार फिर से देखते हैं। नीचे से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, उसी पॉइंट से उसे नीचे लाएंगे जैसे मैं ला रही हूँ, फिर ऊपर लेके जाएंगे, और फिर एक और स्ट्रेट लाइन। हमारा एम बन गया। अब हम स्मॉल एम लिखना सीखेंगे। तो स्मॉल एम के लिए एक स्ट्रेट लाइन, उसके बाद हम यहाँ बीच से इसे ऐसे घुमाते हुए ऊपर की तरफ लाएंगे और इसे पूरा नीचे इस लाइन में टच करेंगे, उसके बाद इधर से इसे घुमाएंगे और फिर नीचे की तरफ लाके इस लाइन में टच करेंगे। एक बार फिर देखते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन, अब हम क्या करेंगे, इधर से ऐसे घुमाते हुए इस लाइन से टच करते हुए नीचे की लाइन में टच करेंगे, और फिर यहाँ से ऐसे घुमाते हुए ऊपर वाली लाइन से टच करते हुए नीचे वाली लाइन में लाके टच कर देंगे। हमारा एम बन गया। सो किड्स, आप लोगों ने मेरे साथ जी टू एम लिखा कि नहीं? अगर नहीं लिखा है तो कॉपीज में लिख लो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो टेक केयर एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।